नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, आज की इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 2011 में भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, ऐसा कोई नहीं था जिसने वानखेड़े में वो जीत देखकर अपनी आंख को नम ना किया। 28 साल बाद भारत दोबारा वर्ल्ड कप जीता। ऐसा क्या है कि जब एक टीम जीतती है तो हर भारतीय उस पर गर्व करता है? ये राष्ट्रवाद है। आज हम इसी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कहां से ये शुरू हुआ? देश व्यक्ति से ऊपर है, ये कब बात हुई? चलिए करते हैं इतिहास का पहला अध्याय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अठारह में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। आप अपनी स्क्रीन पर उसका पहला चित्र देख सकते हैं। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता की महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियों ने कल्पनादर्श अथवा यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। इस अध्याय में हम कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, नेपोलियन का शासन और उसके प्रभाव, जर्मनी में राष्ट्र की स्थापना, इटली का एकीकरण, ब्रिटेन की अलग कहानी, बालकन का क्षेत्र तथा साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद, जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक,
राष्ट्रगान आदि। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। 1789 की क्रांति से लोगों के बीच राष्ट्र की भावना की रचना हुई। क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि एक पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों को संविधान से समान अधिकार प्राप्त थे। राजसी प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो कि तिरंगा था। स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत बनाए गए और शपथ लिए गए। शहीदों को नमन किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसने सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए। फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया। भार और मापन की एक मानक पद्धति अपनाई गई। क्षेत्रीय भाषाओं को नेप्थे में धकेला गया तथा फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना और वहां राष्ट्र की स्थापना करना भी फ्रांस के लोगों का मिशन होगा, और शायद यहीं से शुरू हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद का सफर। फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचे, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबियन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांसीसी क्रांति से उठी चिंगारी यूरोप का मानचित्र बदलने को तैयार थी। इसका पता हमें चलता है आपकी स्क्रीन पे दिए हुए चित्र नंबर 2 से। यह एक जर्मन पांचांग है। पांचांग एक तिथि पत्र को कहते हैं। यह उसका मुख्य पृष्ठ है जिसे पत्रकार एंड्रयूज रिबमॉन ने 1798 में डिजाइन किया। फ्रेंच बास्टील में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है। यह किला जर्मन प्रांत कैसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रिबमॉन एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबियन गुट का भी सदस्य था। नेपोलियन ने ना ही सिर्फ फ्रांस की किस्मत बदली, बल्कि उसने संपूर्ण यूरोप की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई। नेपोलियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और स्थायी कार्य था विधि संहिता का निर्माण। वस्तुतः क्रांति के पहले फ्रांस की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न थी, और इतने प्रकार के कानून थे कि कानून का पालन कराने वालों को भी उनका ज्ञान नहीं था, और क्रांति के दौरान भी यह अराजकता बढ़ गई थी। नेपोलियन ने इस अव्यवस्था को दूर किया। समय नेपोलियन अपनी विधि संहिता को अपने 40 युद्धों से अधिक शक्तिशाली मानता था। इस कोड के द्वारा नेपोलियन ने फ्रांस में सार्वलौकिक कानून पद्धति की स्थापना की। नागरिक संहिता के तहत
उसने परिवार के मुखिया का अधिकार सुदृढ़ किया। स्त्रियां पुरुषों के अधीन रखी गई और पति का कार्य पत्नी की रक्षा करना है। तलाक की पद्धति को कठिन बनाया गया। सिविल विवाह की व्यवस्था भी इस संहिता में की गई। इस प्रकार सिविल विवाह और तलाक की प्रथा को मान्यता देकर नेपोलियन ने यूरोप में इस बात का प्रचलन किया कि बिना पादरियों के सहयोग के भी समाज का काम चल सकता है। इस प्रकार अन्य संहिताएं जैसे व्यापार संबंधी कानून संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉक आदि बनाए गए। उसके व्यापारिक कोड में श्रमजीवियों के हितों की उपेक्षा की गई थी और उनके संघों पर प्रतिबंध को जारी रखा गया था। इस दृष्टि से नेपोलियन ने क्रांति के आदर्शों के विरुद्ध कार्य किया। इसके बावजूद इस विधि संहिता की महत्वता समूचे देश में कानून की एकरूपता प्रदान करने तथा व्यवहारिक रूप से न्याय व्यवस्था को आसान बनाने में थी। जहां जहां नेपोलियन की सेनाएं गई, यह संहिता लागू की गई और नेपोलियन के पराजय के बाद भी बरकरार रही। यह नेपोलियन की एक स्थायी कीर्ति है। नेपोलियन के विधि संहिता में बूर्जुआ वर्ग के हितों पर ज्यादा जोर दिया गया। भूमि संबंधी अधिकारियों को मजबूत बनाया गया और व्यक्ति संपत्ति की रक्षा को और मजबूत बनाया गया और व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए। ट्रेड यूनियन बनाना अपराध घोषित किया गया। मुकदमे की स्थिति में मजदूरों की दलीलों के बदले मालिकों की बातों को न्यायालय को मानने को कहा गया। यूरोप राजनीतिक क्षितिज पर नेपोलियन का प्रादुर्भाव एक धूमकेतु की तरह हुआ और अपनी प्रक्रिया तथा परिश्रम के बल पर वह शीघ्र ही यूरोप का भाग्य विधाता बन बैठा। उसमें अद्भुत सैनिक तथा प्रशासनिक क्षमता से सभी को चकित कर दिया, परंतु उसकी शक्ति का स्तंभ जैसे बालू की दीवार पर खड़ा था, जो कुछ ही वर्षों में ध्वस्त हो गया। वस्तुतः नेपोलियन का उत्थान और पतन चकाचौंध करने वाली उल्का के समान हुआ। वह यूरोप के आकाश में सैनिक सफलता के बल पर चमकता रहा, परंतु पराजय के साथ ही उसके भाग्य का सितारा डूब गया। जिस साम्राज्य की कठिन परिश्रम के पश्चात कायम किया गया था, वह देखते ही देखते समाप्त हो गया। उसके पतन के अनेक कारण थे और उनमें से कुछ निम्न हैं। नेपोलियन असीम महत्वाकांक्षी था। असीम महत्वाकांक्षा किसी व्यक्ति के पतन का मुख्य कारण साबित होती है। नेपोलियन के साथ भी ऐसा ही हुआ। युद्ध में जैसे जैसे उसकी विजय होती गई, वैसे वैसे उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। वह विश्व राज्य की स्थापना का स्वप्न देखने लगा। यदि थोड़े से ही वह संतुष्ट हो जाता तो जीते हुए साम्राज्य की देखभाल कर सकता था, अपना समय उसमें लगा सकता था। पर उसका पतन उसकी महत्वाकांक्षा के कारण ही होना निश्चित था। नेपोलियन की व्यवस्था का सैन्यवाद पर आधारित होना। उसकी राजनीतिक प्रणाली सैन्यवाद पर आधारित थी, जो इसके पतन का प्रधान कारण साबित हुई। वह सभी मामलों में सेना पर निर्भर रहता था, फलतः वह हमेशा युद्ध में ही उलझा रहता। वह यह भूल गया था कि सैनिकवाद सिर्फ संकट के समय ही लाभकारी हो सकता है। जब तक फ्रांस विपत्तियों के बादल छाए रहे, वहां की जनता ने उसका साथ दिया। विपत्तियों के हटते ही जनता ने उसका साथ देना छोड़ दिया। फ्रांसीसी जनता की सहानुभूति और प्रेम का खोना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। उसके अतिरिक्त पराजित राष्ट्र उसके शत्रु बनते गए, जो अवसर मिलते ही उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। इतिहासकार कॉबन ने ठीक ही लिखा है कि नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध में पनपा था, युद्ध ही में उसके अस्तित्व का आधार था और युद्ध ही में उसका अंत हो गया। नेपोलियन की दोषपूर्ण सैनिक व्यवस्था। प्रारंभ में फ्रांस की सेना देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थी। उसके समक्ष एक आदर्श और वह एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए युद्ध करता था। परंतु ज्यों-ज्यों उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ, सेना का राष्ट्रीय रूप विधितत होता गया। पहले उसकी सेना में फ्रांसीसी सैनिक थे, परंतु बाद में
उसमें जर्मन, इटालियन, पुर्तगाली और डच सैनिक भी शामिल हो गए। फलतः उसकी सेना अनेक राज्यों की सेना बन गई। उनके सामने कोई आदर्श और उद्देश्य नहीं था, अतः उसकी सैनिक शक्ति कमजोर पड़ती गई और वह उसके पतन का कारण बनी। विजित प्रदेशों में देशभक्ति का अभाव। उसने जिन प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, वहीं की जनता के हृदय में उसके प्रति सद्भावना और प्रेम नहीं था। वे नेपोलियन की शासन से घृणा करते थे। जब उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी तो उसके अधीनस्थ राज्य अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने लगे। यूरोपीय राष्ट्र ने उसके खिलाफ संघ के लिए चतुर गुट का निर्माण कर दिया और इसी के चलते वाटरलू के युद्ध में उसे पराजित होना पड़ा। औद्योगिक क्रांति। कहा जाता है कि उसकी पराजय वाटरलू के मैदान में ना होकर मैनचेस्टर के कारखानों और बर्किंगम के लोहे के भद्दियों में हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने खोले गए और देखते ही देखते इंग्लैंड समृद्ध बन गया। फलतः वह अपनी सेना की आधुनिक हथियार से संपन्न कर सका, जो कि नेपोलियन के लिए घातक सिद्ध हुए। महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था उसकी जबरदस्त भूल थी। वह इंग्लैंड को सबसे बड़ा शत्रु मानता था। इंग्लैंड की शक्ति का मुख्य आधार नौसेना और विश्वव्यापी व्यापार था। उसकी नौशक्ति को नेपोलियन समाप्त नहीं कर सका, इसलिए उसके व्यापार पर आघात करने की चेष्टा की गई। इसी उद्देश्य से उसने महाद्वीपीय व्यवस्था को जन्म दिया। उसने आदेश जारी किया कि कोई देश इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं कर सकता और ना तो इंग्लैंड की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकता है। यह नेपोलियन की भयंकर भूल थी। इस व्यवस्था ने उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे निकलना मुश्किल हो गया। इसलिए महाद्वीपीय व्यवस्था इसके पतन का मुख्य कारण माना जाता है। इंग्लैंड के बाद पुर्तगाल के साथ युद्ध। पुर्तगाल का इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध था, किंतु नेपोलियन के दबाव के कारण उसे इंग्लैंड से संबंध तोड़ना पड़ा। इससे पुर्तगाल को काफी नुकसान हुआ, इसलिए उसने फिर से इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध कायम किया। इस पर नेपोलियन ने क्रोधित होकर पुर्तगाल पर आक्रमण कर दिया। यह भी नेपोलियन के लिए घातक सिद्ध हुआ। स्पेन के साथ संघर्ष। नेपोलियन की तीसरी भूल स्पेन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। उसकी लाखों सैनिक मारे गए। फलतः इस युद्ध में उसकी स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई, जिससे उसके विरोधियों को प्रोत्साहन मिला। जब नेपोलियन ने अपने भाई को स्पेन का राजा बनाया तो वहां के निवासी उस विदेशी को राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने नेपोलियन की सेना को स्पेन से भगा दिया। उस विद्रोह के अन्य देशों को भी प्रोत्साहन मिला और वे भी विद्रोह करने लगे, जिससे उसका पतन तय था। रूस का अभियान। नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर भारी भूल की। रूस ने उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इस पर नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। इसमें यद्यपि मॉस्को पर इसका अधिकार हो गया, लेकिन उसे महान क्षति उठानी पड़ी। उसके विरोधियों ने आक्रमण करने की योजना बनाई। इसे आक्रमण में उसे पराजित होना पड़ा। आखिरी कारण नेपोलियन के पतन का था चतुर गुट के संगठन। नेपोलियन की कमजोरी से लाभ उठाकर उसके शत्रुओं ने चतुर गुट का निर्माण किया और मित्र राष्ट्रों ने उसे पराजित किया। उसे पकड़कर सलबाई भेजा गया और उसे वहां का शासक घोषित कर दिया गया। परंतु नेपोलियन वहां बहुत दिनों तक नहीं रहा। वह शीघ्र ही फ्रांस लौट गया और वहां का शासक बन बैठा। लेकिन इस बार वह सिर्फ 100 दिन तक ही सम्राट बना रहा। मित्र राष्ट्रों ने 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में अंतिम रूप से उसे पराजित किया। वह पकड़ लिया गया। मित्र राष्ट्रों ने उसे कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया, जहां 52 वर्ष की आयु में 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उपयुक्त सभी कारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उसके पतन के उत्तरदायी थे। उसने युद्ध के द्वारा ही अपने साम्राज्य का निर्माण किया।
युद्ध के चलते ही उसका पतन हुआ। अर्थात जिन तत्वों ने नेपोलियन के साम्राज्य का निर्माण किया था उन्हीं तत्वों ने उसका विनाश भी किया। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में नेपोलियन के आक्रमणों ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली, पोलैंड, जर्मनी और स्पेन में नेपोलियन ने ही नवयुग का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन के आक्रमण से इटली और जर्मनी में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। उसने समस्त देश में एक संकटित एक रूप शासन स्थापित किया। इससे वहां राष्ट्रीयता के विचार उत्पन्न हुए। इसी राष्ट्रीयता की भावना ने जर्मनी और इटली को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति की सीमा से बाहर निकालकर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूप प्रदान किया, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अभी तक हमने पढ़ा कि 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। नेपोलियन युद्धों की शुरुआत की। 1814 से 1815 में नेपोलियन का पतन हुआ। वियना शांति संधि हुई, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। चलिए अब छोटा सा क्विज खेलते हैं और जानते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। बताइए कौन सा वाक्य सबसे अच्छा यूटोपियन सोसाइटी को समझाता है। आपके ऑप्शन है एक ऐसा समाज जहां हर कोई समान हो, व्यापक संविधान वाला समाज, एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता, या फिर एक लोकतांत्रिक समाज। बिल्कुल सही जवाब, इसका जवाब है एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। आपका दूसरा प्रश्न है 1789 में फ्रांस में क्रांति से पहले वहां किस प्रकार की सरकार काम कर रही थी। लोकतंत्र, सैन्य राज, राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब 1789 से पहले फ्रांस में राजतंत्र होता था। आपका अगला सवाल है फ्रांसीसी क्रांतियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और भाग्य यूरोप के लोगों को जीतना था, यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त कराना था, यूरोप के सभी देशों में पूर्ण राजशाही को मजबूत करना था, या दुनिया के हर हिस्से में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का प्रचार करना था। सही जवाब यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त कराना था। नेपोलियन कोड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निर्यात किया गया था। इंग्लैंड, स्पेन, फ्रेंच नियंत्रण के तहत क्षेत्र या फिर पोलैंड। बिल्कुल सही, फ्रेंच नियंत्रण के तहत जो क्षेत्र थे उनमें नेपोलियन कोड को निर्यात किया गया था। चलिए अब आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ रिक्त स्थान दिख रहे होंगे, कोशिश करते हैं इन्हें भरने की। मुझे आशा है आपको सभी आते होंगे। फ्रेडरिक सरयू एक डैश था। फ्रेडरिक सरयू एक फ्रांसीसी कलाकार था। 1804 का नागरिक संहिता डैश के रूप में जाना जाता है। 1804 का नागरिक संहिता नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति डैश के साथ हुई। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। आज का आखिरी सवाल, एक डैश की अवधारणा एक थी जिसमें लोगों और भूमि के शासकों को एक समान पहचान और साझा इतिहास की भावना विकसित की। एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा एक थी जिसमें लोगों और भूमि के शासकों ने
एक समान पहचान और साझा इतिहास की भावना विकसित की। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। कैसे फ्रांसीसी क्रांति से उठी एक चिंगारी ने यूरोप का पूरा मानचित्र बदल दिया, इसके बारे में जानने के लिए हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए तथा पढ़ते रहिए। नमस्कार।